तो उज्जैन से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और सीएम मोहन यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, इसमें कुछ सांस्कृतिक झलक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बता दें गंगा जल संवर्धन ये कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो देखिए खास ये कार्यक्रम गंगा जल संवर्धन कार्यक्रम जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके की, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो तैयारियां आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहां पर सजाया गया है और सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इसमें शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। तो गंगा जल संवर्धन ये कार्यक्रम उज्जैन में जो चल रहा है, इसकी तस्वीरें प्रदेश के मुखिया मोहन यादव इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो बता दें कि जल संवर्धन पर आधारित ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें नदी और तालाबों के घाट पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जल संरचना को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए और साथ ही साथ जो तालाब है, जो कुंड है, जो बावड़ी है, उनके पानी को किस तरीके से संरक्षण किया जाए और घाटों की सफाई करना भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले भी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे, सफाई अभियान में शामिल हुए थे और अब ये जो तस्वीरें हैं वो उज्जैन से है और जहाँ से वो खुद देखिए विधायक भी हैं और अपने ही क्षेत्र में आज वो पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगा जल संवर्धन कार्यक्रम की तस्वीरें, जहाँ पर शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इसके तहत अब देखिए जो नदी घाट के किनारे सफाई का जो काम है वो किया जाएगा और उद्देश्य यही है कि किस तरीके से पानी को जो है संरक्षित किया जाए। तो इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में आज की अगर बात की जाए तो आज वो उज्जैन पहुंचे हुए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का इंतज़ार किया जा रहा था, वो इंतज़ार खत्म हुआ और उसके बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि समर्थक भी जो उनके हैं, कार्यकर्ता जो है वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले भी हमने देखा था कि जल संरक्षण के लिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि किस तरीके से जल को संरक्षित किया जाए और जल के संरक्षण को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो चाहे वो देखिए तालाब हो, कुंड हो, बावड़ी हो या नदी हो या फिर घाट हो, सभी जगह के पानी को संरक्षित किया जाए ये उद्देश्य होता है और इसी के साथ देखिए संरक्षित करने को लेकर भी तमाम बातों पर चर्चा होती है और साथ ही साथ यहाँ पर सफाई का भी काम इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव देखिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार आ रही हैं उज्जैन से, तस्वीरें जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का ही क्षेत्र है, उज्जैन से वो विधायक है दक्षिण से और अब अपने ही क्षेत्र में देखे पहुंचे हैं उज्जैन की तस्वीरें और जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो बता दें कि इसके पहले भी हमने देखा कि बैतूल जिले में भी ये अभियान हमें देखने को मिला था, जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम, और इस अभियान के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे प्रदेश में जो 212 नदियां हैं उन पर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश के भीतर अगर देखा जाए तो 1,12,000 से ज़्यादा लोग हैं जो इस अभियान का हिस्सा भी बन रहे हैं। तो तस्वीरें भी ये साफ तौर पर बयान कर रही है कि किस तरीके से लोग भी इस अभियान का हिस्सा बनते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से जल को संरक्षित यहाँ पर किया जाए। और साथ ही साथ बता दें कि जो जल स्रोत है करोड़ों की लागत से इसका जीर्णोद्धार भी यहाँ पर किया जाएगा इस अभियान के तहत। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, इसके पहले हमने देखा था कि छिंदवाड़ा भी पहुँचे हुए थे मुख्यमंत्री मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ही,
तो मध्य प्रदेश के देखिए अलग अलग हिस्सों में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम के तहत, और उद्देश्य यही है कि किस तरीके से जल को संरक्षित किया जाए और जो जल स्रोत है उनकी सफाई का भी इस कार्यक्रम के तहत ध्यान रखा जाता है। तो जैसे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले भी मध्य प्रदेश के बैतूल भी पहुंचे थे, छिंदवाड़ा भी पहुंचे थे इस कार्यक्रम के तहत और उद्देश्य देते हुए नजर आए थे, और अब एक बार फिर से अपने क्षेत्र उज्जैन यहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। और आपको एक बार फिर से बता दें कि पूरे प्रदेश में 212 नदियाँ हैं जिन पर इन नदियों पर ये जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, और उसी में से उज्जैन शहर भी जहां पर शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में लोग भी इस अभियान का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसा कि आप हमने आपको पहले ही बताया कि इसके पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के बैतूल भी पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव इसी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, जिसका नाम रखा गया है गंगा जल संवर्धन कार्यक्रम। मंच भी देखिए तैयार किया गया, थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। तो तस्वीरें उज्जैन से आपको हाल फिलहाल में दिखा रहे हैं। इसके पहले इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव छिंदवाड़ा भी पहुंचे थे, बैतूल भी पहुंचे थे, पूजा की थी उन्होंने, और उसके बाद ये देखिए मंच से तस्वीरें, और थोड़ी ही देर के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो जल गंगा संवर्धन ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँच रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, पूर्व विधायक राजेंद्र ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष विवेक जी, माननीय ओम जी, बहादुर सिंह जी, दूसरे बहादुर सिंह जी, हमारे महापौर जी, सभापति जी, और इस अवसर पर हमारे सारे ओम जी जी और सौपरिष्ठ नेतागण, पुलिस प्रशासन के सहयोग से इस पुलिस लाइन के जल संवर्धन के इस बड़े अभियान अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और हमें सबसे जानकारी है कि जल का क्या महत्व है इसको बोलने की जरूरत नहीं। 5 जून से लगा करके 16 राज्य गंगा का दशमी तक पर्यावरण दिवस से लगा करके गंगा का दशमी तक ये जो महाअभियान चल रहा है पूरे प्रदेश के 55 जिलों में, लगभग हमारे अपने अभी तक की मेरी जानकारी में जिस प्रकार से आया है कोई जिला कोई तहसील कोई पंचायत कोई गांव में बचा जाएगा अभियान नहीं चल रहा, पूरे प्रदेश में एक साथ इतने अच्छे प्रकार से अभियान का चलना ये बताता है कि जल के प्रति हमारी निष्ठा क्या है, जिसकी आवश्यकता क्या बताने की जरूरत नहीं। खास करके पुलिस प्रशासन ने ये बहुत अद्भुत काम किया है, डीजी साहब ने मौजूद है, आईजी साहब है, हमारे प्रशासन के लोग मेरी अपनी बधाई और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कदम कल के बाद लगातार जहाँ जहाँ लगे मंदिर सरकार आपके साथ हम सब करके ये जल ही जीवन है इस मिशन को जीवन रखेंगे। मेरी अपनी ओर से गंगा दशमी के पूर्व अवसर पर आपको बधाई, बहुत बधाई।